फैब्रिक में दोस्तों जेकार्ड की आज नई डिजाइन्स आपके सामने पेश कर रहा हूँ, जिसमें आप देख सकते हो साड़ीज में डिजिटल प्रिंट किया गया है। दोस्तों साड़ीज में आप देख सकते हो साड़ीज का जो ऑर्गेन्जा बेस्ड फैब्रिक रहेगा उसमें जरी का, ये आप देख सकते हो पूरा वर्क है जरी का, और लेस बॉर्डर भी कुछ इस हिसाब से रहेगा। आप देख सकते हो कि जेकार्ड की पूरी मशीनरी में इस तरीके का वर्क किया गया है, बहुत ही शार्प फिनिशिंग वाला ये वर्क है, जिसमें देख सकते हो बॉटम और टॉप दोनों साइड यहाँ पे जरी का वर्क पूरा दिया जाएगा। ये दोस्तों ये साड़ी किस हिसाब से पहनता है कि पहले ऑर्गेन्जा फैब्रिक और जरी, उसमें रेपियर जैकार्ड मशीन में ग्रे फैब्रिक बनता है। ग्रे फैब्रिक बनने के बाद वो आरएफडी होता है, मतलब रेडी फॉर डाइड या रेडी फॉर फिनिश, उसको ब्लीच किया जाता है, साड़ी को व्हाइट किया जाता है। उसके बाद क्या किया जाता है दोस्तों कि ये साड़ी को डिजिटल प्रिंट मशीन में फ्रेम में बिठा के उसको डिजिटल प्रिंट किया जाता है, ताकि ये जो बेज है और जरी है ये विविंग में हुआ है दोस्तों, और ये जो फ्लावर दिख रहा है वो प्रिंट में हुआ है, डिजिटल प्रिंट। मतलब इसमें तीन प्रकार की प्रोसेस होती है। साड़ी डिजिटल प्रिंट होने के बाद दोस्तों वो वैक्सिंग प्रोसेस में जाएगी, ताकि जो साड़ी का फिनिशिंग आए वो डबल आ जाएगा, स्मूथनेस बढ़ जाएगी, और उसके बाद चेकिंग में जाएगा। चेकिंग के बाद दोस्तों वो पैकिंग के लिए रेडी होगा और बाद में डिस्पैच होता है दोस्तों। तो दोस्तों आज मैं इसी कैटलॉग में 9 से 10 डिजाइन अलग अलग आपके सामने पेश कर रहा हूँ। पूरा वीडियो जरूर देखेगा दोस्तों, क्योंकि आज की सब जो डिजाइन है एक से एक लेटेस्ट डिजाइन ये अलग अलग कलर में आपको मिलने वाली है। मैं विशाल ठुमर विवेरा इंटरनेशनल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ एक बार फिर से। साड़ीज के लेंथ की बात की जाए दोस्तों, तो साड़ीज की लेंथ रहेगी कुछ 6.30 मीटर। साड़ीज का पल्लू कुछ इस हिसाब से रहेगा, जब आप देख सकते हो यहाँ पे जो रिच पल्लू लुक दिया गया है जेकार्ड में, राइट, वहां पे डिजिटल प्रिंट का साथ में कॉम्बिनेशन दिया गया है, जरी का पट्टा, गोल्डन जरी का पट्टा है यहाँ पे। ब्लाउज पीस की बात की जाए तो दोस्तों सिंपल एंड सोबर आपको साटिन बेंगलोरी का ब्लाउज मिलने वाला है इसके साथ। आज आपको आज ही मिल से नया प्रोडक्शन आया है दोस्तों, तो लेटेस्ट प्रोडक्शन ही आपको दिखा हुआ। दूसरी डिजाइन कुछ इस तरीके से रहेगी। हमें व्यू कमेंट्स भी मिली थी कि हमें प्लीज ऑर्गेन्जा में कुछ इस तरीके का बनारसी कंसेप्ट दीजिए जो मार्केट में भी लेटेस्ट है, नया चल रहा है, राइट। कंसेप्ट दोस्तों सब सेम ही रहेगा, सब में डिजाइन अलग रहेगी। इस तरीके का पूरा कैटलॉग आपको मिलने वाला है बहुत ही लो रेट में, जो कि आज ही मेरे मिल से आया है और आज ही मैं सेलिंग के लिए प्रोडक्ट लॉन्च करने वाला हूँ। फिलहाल आपको वीडियोस में दिखा रहा हूँ, यहाँ पे कुछ ये डार्क येलो कलर का साड़ी है, जो ऑरेंज बेस का साड़ी रहेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर्स यहाँ पे हमारे डिजाइनर्स ने सेट किए गए हैं दोस्तों। जैसे कस्टमर को जैसे इसमें चाहिए कि 4-5 पीस चाहिए हो तो मिल जाते हैं क्या? जी बिल्कुल मिल जाते हैं, हमारे जो रेगुलर होलसेलर है वो तो पूरा सेट टू सेट ही लेते हैं, पर अगर आपको लग रहा है कि आपके एरिया में 9 कलर है या 10 कलर है पूरा चलने वाला नहीं है, शुरुआत के दौर पे आप 4 या 5 पीस इसमें से लेना चाहते हो तो वो भी हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। अगर एक कलर में 10 पीस 15 पीस चाहिए तो वो भी मिल जाएंगे, वो भी अवेलेबल रहता है। किसी को किसी फंक्शन, छोटे मोटे किटी पार्टी या तो फिर कोई फंक्शन पार्टी, तो उस हिसाब से किसी को अगर सिंपल यही कलर में 50 पीस 20 पीस 60 पीस की रिक्वायरमेंट है तो वो हम अलग से एक्स्ट्रा प्रोडक्शन करके आपको प्रोवाइड करा देंगे। हमारे स्टॉक में ऑलमोस्ट रहता ही है, तो रेडी स्टॉक में होगा तो डायरेक्ट डिस्पैच कराएंगे। सभी फैसिलिटीज यहाँ पे दोस्तों अवेलेबल रहता है जी। तो ये साड़ी कुछ इस तरीके का रहेगा। हमें दोस्तों कमेंट करके जरूर बताएगा कि आपको कौन सा कलर पसंद आया है। मैंने जैसे कि अगले वीडियोस में बताया था कि डेली कुछ ना कुछ प्रोडक्शन में डाला है, डेली कुछ ना कुछ नया कैटलॉग आएंगे, तो आप सबको बता देता हूं कि ये हमारा नया कैटलॉग है जो आज ही आया है। आप इंक्वायरी कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, वहां से आप तुरंत ही हमारा कलेक्शन मंगवा सकते हो दोस्तों। ये भी देख सकते हो आप, बहुत बढ़िया डिजाइन, स्काई कलर की डिजाइन में पिंक ऑरेंज रेड कलर के फ्लावर्स यहाँ पे लगाए गए हैं। पल्लू का बैक साइड दिखाएंगे आप जी, ये बैक साइड आप यहाँ पे देख सकते हो, कुछ सेम टोन का आपको मिलेगा। डिजिटल प्रिंट है दोस्तों, मिल प्रिंट नहीं है। आगे मैंने बताया था कि मिल प्रिंट में बैक साइड वैसा ही दिखता है, पर ये ऑर्गेन्जा फैब्रिक है, ट्रांसपेरेंट फैब्रिक है, राइट, नेट जैसा फैब्रिक आता है स्मूथ फैब्रिक, तो उसमें सेम टू सेम ही बैक साइड इफेक्ट पड़ेगा, राइट। रंग जनरली इस तरीके की बैक साइड में इफेक्ट मिल प्रिंट में रहता है, पर ये ऑर्गेन्जा फैब्रिक में सेम टू सेम रिप्लेसमेंट पड़ता है दोस्तों जी। इसमें जरी यूज की गई है दोस्तों,
जैसे आप बड़े बड़े मॉल में जाएंगे यही साड़ी आपको 3,000 5,000 6,000 में बिकती है, जो हमारे यहाँ पे बहुत ही नॉमिनल रेट में अवेलेबल है दोस्तों। आप इसको लेके घर से या स्टोर से डबल मुनाफा करके आप आराम से कमा सकते हो, पर्टिकुलर ये प्रोडक्ट में। सभी प्रोडक्ट की मैं बात नहीं करता हूँ कि आप ये प्रोडक्ट 800 रुपए में 900 रुपए में खरीद के 2,000 में बेचो, 1,500 में बेचो, 3,000 में बेचो, पर इसमें मैं दावा करके बता सकता हूँ कि ये प्रोडक्ट अगर आप परचेस करते हो हमारे यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल इसका रेट 800 है, फॉर एग्जाम्पल राइट। मैंने अभी बताया नहीं है कि इसका रेट 800 है, पर मैं बता रहा हूँ कि अगर इसका रेट 800 है तो ये आप रीसेल में आराम से 1,500 रुपए में बेच सकोगे और बिक भी जाएगी, क्वालिटी में किसी भी प्रकार का डिफेक्ट नहीं आएगा दोस्तों। आपको भी आइडिया होगा कि आप आपके नजदीकी शॉप में जाइए एक बार घूमिए तो आपको पता चलेगा कि ये साड़ी आपको वहां पे कितने में दे रहे हैं। तो अगर उसके पास इस टाइप का जितना मार्केट सर्वे किया गया ऐसी डिजाइन बहुत रेयर ही मिलती है देखने को, और मिलती है तो बड़े बड़े शोरूम में, और उसका रेट आप जानते होंगे। एक बार बड़े मॉल में या बड़े शोरूम में जाके कंसेप्ट देख के आइए, आपको आइडिया आएगा कि ट्रांसपेरेंट में ऑर्गेंजा साड़ी, साथ में गोल्डन झरी यूज की गई है, नीचे ऊपर दोनों साइड पट्टा। आप ये जो देखिए यहाँ पे देख पूरा फिनिशिंग देखिए, ये या डिजिटल प्रिंट इसके ऊपर भी किया है, पर जैसा लग नहीं रहा है, इस तरीके का प्रॉपर फिनिशिंग के साथ मिलने वाला है दोस्तों आपको जी। हमारे एक कस्टमर रेगुलर व्यूअर ने कमेंट किया था कल ही जी, तो उसको भी मैं आंसर देना चाहूंगा। उन बताया था कस्टमर ने कि कुछ मेरा 3,000 या 4,000 का ऑर्डर था तो कोई आंसर नहीं दे रहा था, तो बताना चाहूंगा कि ऐसा नहीं होता है। क्या होता है कि हमारा वर्किंग टाइम है 10 से 6 बजे का, उसके बाद हमारे सभी फोन लॉकर में हो जाते हैं, लॉकर में बंद करके रख देते हैं राइट। तो वो टाइम पे अगर आपने कॉल किया है तो उसके मीन्स के 10 से 6 के बाद में कॉल किया है तो वो आपको रिस्पॉन्ड नहीं मिल पाएगा। फिर दूसरे दिन सुबह जब 10 बजे व्हाट्सएप देखेंगे तब आपको रिस्पॉन्ड देंगे, या तो फिर ऐसा कुछ है कि दोपहर को लंच का टाइम है, अभी लड़के कम है, तो क्या है कि सब जो सेल्स की टीम है वो पैकिंग का भी थोड़ा ज्यादा देखती है, तो पैकिंग करते होते हैं तो किसी पार्टी का पार्सल डिस्पैच करते होते वो कुछ बिजी रहते तो थोड़ा लेट डिले आपको आंसर मिलेगा, या तो इंस्टेंट मिल ही जाएगा पर कुछ ऐसा बिजी काम रहेगा, या तो वो कोई सेल्स पर्सन है वो एब्सेंट रहेगा, तो उसका जो कम्युनिकेशन कोई और सेल्स टीम कर रही है तो थोड़ा टाइम लगेगा। बाकी आपको ऐसा नहीं है 3,000 रुपए का परचेस, सिर्फ एक पीस आप हमारे यहाँ से परचेस करेंगे तो भी आप हमारे वैल्यूएबल कस्टमर ही है। हम लाख रुपए का जो परचेस करते हैं और जो 1,000 का परचेस करते हैं सबको अच्छा रिस्पॉन्स ही देते हैं दोस्तों। तो ऐसा बिल्कुल मत समझिए कि मैंने 3,000 का परचेस किया है और मुझे प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। अगर बाई चांस आपको इस तरीके का रिस्पॉन्स मिला है तो मैं आपको सॉरी बोलता हूँ, ऐसी गलती हमसे भी दूसरी बार नहीं होगी, हम ध्यान रखेंगे, हमारी सेल्स टीम को भी बता देंगे। कभी कभार क्या है कि अभी ये लेबर इश्यू है, स्टाफ इतना मिल नहीं रहा है, मतलब कि जो पैकिंग वाले, तो इतना क्राउड चल रहा है, फास्ट मूविंग है सब, तो थोड़े बिजी रहते हैं ऑफिस में, तो उसकी वजह से शायद हो गया होगा कि आपको कम या लेट रिस्पॉन्स मिला है, पर अगली बार वो हम ध्यान रखेंगे हमारी कुछ गलती है तो जी। दोस्तों ये भी साड़ी बहुत अच्छी है, इस तरह बहुत यूनिक डिजाइन है आपकी, बहुत ही यूनिक, थोड़े मैं फास्ट डिजाइन दिखा रहा हूँ ताकि आपको भी इतना टाइम वेस्ट करना ना मिले। बट ये साड़ी आप व्यूअर्स को जरूर खोलकर दिखाइए, बहुत बढ़िया साड़ी है। आज मैं सभी साड़ी 10 की 10 साड़ी व्यूअर्स को दिखाना चाहूंगा जी, आप देख सकते हैं क्योंकि यूनिक कलर है उसके अंदर, यूनिक डिजाइन जो आपको मिल रही है वो चीज बहुत मायने रखती है, देख सकते हैं दोस्तों आप। ये पल्लू का पोर्शन रहेगा दोस्तों, काफी सुंदर साड़ी, काफी डिजाइनर साड़ी यहाँ पे आपके सामने, और ये जो पर्पल साड़ी सॉरी रॉयल ब्लू कलर की साड़ी है, रॉयल ब्लू साड़ी उसके लवर्स ज्यादा रहते हैं, वो साड़ी सिलेक्टेड पीपल होते हैं जिसको ये कलर पसंद आता है वो सीधा देखते ही पसंद कर लेंगे, मतलब अगर आप परचेस कर रहे हैं तो ये साड़ी जरूर परचेस कर दीजिएगा। और अभी आने वाले जो नवरात्रि का टाइम है, दिवाली का टाइम है दोस्तों, तो सब लोग बड़े बड़े मॉल में जाने वाले नहीं है शॉपिंग के लिए राइट, तो अगर ये बेस्ट टाइम है, अगर आप परचेस कर रहे हो और सेलिंग का सोच रहे हो तो ये बेस्ट टाइम है कि आपका बिजनेस सेफ हो जाए, क्योंकि अभी जो आपके ग्रुप वाले हैं, रिश्तेदार हैं, पड़ोसी हैं, सब छोटी जगह या तो फिर घर से ही जो बेच रहे उससे ही परचेस कर लेंगे राइट, शॉपिंग करने बाहर कहीं जाने वाले नहीं है, तो आप उसका बेनिफिट ले सकते हो।
आप घर बैठिए व्हाट्सएप फेसबुक पे मार्केटिंग कर सकते हो, आपके रिश्तेदार को डिजाइन भेज के ऑर्डर ले सकते हो और वहीं से एक शुरुआत कर सकते हो, राइट। तो अभी बेस्ट मोमेंट है, बेस्ट टाइम है, आगे फेस्टिवल्स भी आने वाले, दिवाली के बाद शादियां भी इतनी है जिसकी खरीदी अभी से शुरू हो गई है दोस्तों। तो ये बेस्ट टाइम है, बेस्ट कि आप घर बैठे या तो फिर आपका शॉप है तो वहां से इस तरीके का माल परचेस करके बेच सकते हो। आने वाले जो वेडिंग में भी इस तरीके की साड़ियां बहुत प्रीफर करेगी यंग लेडीज, जिसकी एज 25 से 45 तक है, वो एज में ये साड़ी धूम मचाने वाली है दोस्तों इस बार, राइट। यंगस्टर में, यंग जनरेशन में ये साड़ी का इस बार बहुत ही डिमांड रहेगा दोस्तों। ये भी देख सकते हो पीच कलर की बहुत ही खूबसूरत साड़ी आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं। अगर आपको हमारी डिजाइन पसंद आ रही है, आपको इस तरीके की और डिजाइन चाहिए तो हमें व्हाट्सएप कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस को आप आराम से देख सको जी। ये भी देखिए सुंदर सी डिजाइन आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। ग्रे कलर में है ये पूरी, ग्रे और ग्रीन का टोन दिख रहा है इसमें। पैडिंग है दोस्तों, यहाँ पे लाइट कलर है, यहाँ पे आप डार्क कलर है जी। बाकी सभी कैटलॉग्स आपने यहाँ पे 9 या 10 साड़ी अभी तक देखी है, किसी साड़ी में किसी भी प्रकार का आपने डिफेक्ट नहीं देखा होगा। हमारी क्वालिटी प्रोडक्ट बेचने का ही मोटिव है, मेन टारगेट हमारे क्वालिटी वाले कस्टमर को ही एंटरटेन करना है। मतलब कि जो लोग मांगते हैं कि यही साड़ी में 300 में बना के दो, 200 में बना के दो, तो उस तरीके का हमारे पास कोई बेस ही नहीं है दोस्तों। हमारा कोई ऐसा टारगेट ही नहीं है कि जो चीज 200 ये चीज जो बनती है जेन्युइन रेट लगता है वो रेट से कम अगर हम बनाएंगे तो उसमें हमें कुछ गोलमाल करना पड़ेगा। मतलब यहाँ से जरी हटा के धागा बनाना पड़ेगा या डिजिटल प्रिंट है उसमें से मिल कर देना पड़ेगा। ये साड़ी मैं चाहूँ तो ये साड़ी को 300 रुपए में भी बना सकता हूँ, राइट। पर वो साड़ी बनेगी 6 मीटर की, पर ये जो फंक्शन आएगा वो सब उसमें नहीं मिलने वाले। इसका जो इफेक्ट आएगा, इसका जो कम्फर्ट आएगा, जो साड़ी का जेन्युइन रेट है वो तो लगने वाला ही है। अगर आप चाहो कि कोई स्वीट बनाना है, राइट, मार्केट में स्वीट तो मिलता ही है, तो कुछ 600 रुपए का किलो स्वीट भी मिलता है, 200 रुपए का किलो भी स्वीट मिलता है, दोनों एक किलो ही आता है, दिखने में भी सेम ही होता है। पर आप सोचिए थोड़ा कि 200 रुपए में जो मिलता है और 600 रुपए में जो मिलता है उसमें कुछ तो डिफरेंट होगा ना दोनों में, वरना इतना रेट का वेरिएशन तो आएगा नहीं। तो दोस्तों सोचने वाली बात है कि अच्छा बेचिए, अच्छी क्वालिटी बेचिए और कस्टमर सेटिस्फेक्शन हो गया तभी आपके पास से रिपीट आएंगे, वरना आप 200 रुपए, 150 रुपए, 60 रुपए, 50 रुपए की साड़ी बेच के आप कस्टमर को खुश नहीं देख पाओगे। मतलब जब आज नहीं तो कल वो लोग आपके पास कंप्लेन लेके जरूर आएंगे कि ये साड़ी हमारे यहाँ पे खराब निकली, टूटा फूटा निकला। तो वो उस तरीके का हमारा कोई फोकस ही नहीं है दोस्तों। ये देखिए बहुत ही सुंदर डिजाइन, आज की ये लास्ट डिजाइन आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ स्काई ब्लू कलर की। मुझे 100% गारंटी है कि ये साड़ी आप देख के 100% ऑर्डर करेंगे दोस्तों। कलेक्शन मंगवाने के लिए तुरंत ही हमारा डिस्क्रिप्शन नंबर पर व्हाट्सएप नंबर दिया गया, प्लीज वहां से व्हाट्सएप करके हमें ऑर्डर कर सकते हो जी। आपकी और भी कोई रिक्वायरमेंट है, आप और भी कोई सलाह सूचन है तो हमें वो बता सकते हो। आने वाले इस वीडियोस को मैं इस तरीके का कुछ ऑर्गेन्जा सिल्क में, जैसे बताया था ऑर्गेन्जा सिल्क में प्लेन ब्लाउज के साथ डिजिटल स्मूथ साड़ी आने वाली है जो आपको प्रेजेंट करने वाला हूं। अगर आपको ये साड़ी का वीडियो देखना है तो तुरंत ही हमें चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि सबसे पहले आपको वो वीडियोस देखने को मिले। और कुछ आपका सलाह सुझाव है तो प्लीज हमें कमेंट कीजिए ताकि हम भी समझ सके कि आपकी आगे की रिक्वायरमेंट किस हिसाब से। आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू।